हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं मार्केट से आज ये पेपर लेकर आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है दिवाली आने वाली है, तो इस बार हमने सोचा है कि हम लोग घर को डेकोरेट करेंगे इजी से, DIY से। तो हम लोग के सबसे पहले जो हम लोग के दिमाग में आइडिया आया वो है बंधनवार का। तो हम लोग बंधनवार बनाने वाले हैं घर के लिए, जो हम लोग नॉर्मली दिवाली पे जाते हैं घर में। सबसे पहले शौक है और आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गौरी हम लोग कोशिश करेंगे। ये पिंक कलर की लाइट है और ये ब्लू कलर की। और मैंने मम्मी से थोड़ा सामान मंगवाया था, मम्मी बाहर गई थी, तो मैंने सबसे पहले पिंक कलर की। हम लोग का जो बंधन वार है वो ब्लू और पिंक के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। हम लोग आइडिया रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले पिंक शीट और ब्लू शीट और इसके साथ सिल्वर शीट भी। हम लोग ग्लिटर सिल्वर शीट लाए, वो इसी में रख दी है ताकि वो मतलब उसमें कुछ लगने जाए तो खराब हो जाएगी, क्योंकि एक ही लाइन में ज्यादा काम नहीं है उसका, तो वो भी पैकेट कर देंगे। और इतना हम लोग यही ब्लू वगैरह लाए हैं। और सजाने के लिए हम लोग लाए हैं, उसमें थोड़ी लटकन वाला काम है, मतलब थोड़ा उसमें हम लोग बनाएंगे। जब बन जाएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम लोग मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं। बन के आपको जब दिखाएगा, मतलब जब बन जाएगा तो आपको आप खुद ही देख लीजिएगा। और ये हम स्टार लाए हैं सजाने के लिए, थोड़े मिरर्स हैं इसमें और थ्रेड लाए हैं, ये मोटा वाला जो क्राफ्ट वगैरह के उसमें सजाने में लगता है, इसी से हम लोग अपना बनाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग बनाएंगे तो आपको भी दिखा देंगे कि क्या क्या बना, क्योंकि थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, उसमें थोड़ा वर्क ज़्यादा है। आप लोगों की तैयारियाँ हो गई सब दीपावली की, साफ सफाई। कल हम लोग छत साफ किया था, अब आज अब फिर नेक्स्ट डे हम लोग घर के अंदर की सफाई करेंगे। अब तो जो जो करते हैं सब आपसे शेयर भी करते हैं। चलो फिर बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो काम है वो है कटिंग का। तो सबसे पहले हम लोग कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद पेस्ट फिर से डेकोरेट करेंगे। सारा सामान है, अब और भी काम है, तो धीरे धीरे सब काम करेगी। काम बहुत है, पढ़ाई का भी काम है, तबीयत भी ठीक नहीं है, पढ़ाई का काम है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा टाइम को जैसे होमवर्क करने के बाद थोड़ा टाइम बचता है उसमें मैंने। गौरी की पढ़ाई अब हो चुकी है, अब गौरी थोड़ा फ्री फील कर रही है, तो अब वो बंधन बार बना रही है घर में ही। हम लोग दिवाली आ रही है तो हम लोग इसके लिए घर डेकोरेट करने के लिए बंधन बार बना रहे हैं। हमें फ्लावर्स काट रही हूँ, एक मैंने बना चुका है, एक फ्लावर बना लिया है, सारे ऐसे ही बना। ये जो इसके बीच में लगा हुआ है जो शाइनी सा है वो ये पेपर है, लेटर शीट इससे बना है, बनाया भी ऐसे और भी बनाने को। और इस फ्लावर के बीच में एक कुछ चमकीला लगा है वो ये है, अभी बड़ा बनेगा तो उसके लिए ज्यादा फ्लावर। एक पिंक शीट लाए थे और ये है ब्लू शीट, बस इसी से मिला जुला के बनाएगी बंधन बार। और जब पूरा बन जाएगा फ्रेंड्स तो आपको दिखाएंगे। अभी बना रहे हैं और बनाना है। अभी बन रहा है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इस टाइप के फ्लावर्स बनाने हैं बहुत सारे। और इसमें हम लोग ये धागा लाए थे, ये चिपकाने के लिए ग्लू लाए थे। फ्रेंड्स, अब मैंने दो फ्लावर बना लिए, एक ये वाला, एक ये वाला। अभी सारे ही ऐसे और बनाने हैं क्योंकि वो लंबा बनेगा, फिर हम लोग अपने घर में जैसे गेट पे लगाएंगे। तो अभी और भी फ्लावर बनाने हैं जितने उसमें लगेंगे, अभी दो ही बनाए, और भी बनाने हैं अभी। तो फ्रेंड्स, फोर फ्लावर अभी बने हैं और बहुत देर में भी ये बन रहे हैं, काफ़ी टाइम लगेगा इनको बनाने में। फ्रेंड्स, ये सारे फ्लावर बन चुके हैं। अब छोटे छोटे और डिज़ाइन बनाए जाएंगे, फिर उनकी लटकन बनाई जाएगी, तब ये बंधन बार पूरा होगा। गौरी, कितना बन गया? थोड़ा सा बना है मम्मी, अभी और बनाना है, बहुत बड़ा है। फ्लावर तो कट गए, और ये दिए की शेप देगा, ये ऐसे दिए की तरह काटा गया है, ये ऐसे। कल से इस पर काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अच्छा।
फ्रेंड्स, गौरी का ये बनने के बाद, इतनी मेहनत के बाद हम लोग ने ऐसा बनाया, ये बनाया है। जो हम लोग ने जैसे बताया था आपको शुरुआत में कि पिंक ब्लू का कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही बनने वाला है। और आपको अगर आप चाहें तो आप भी अपने घर को डेकोर करने के लिए बना सकते हैं। थोड़ा इसमें थोड़ा वर्क ज्यादा है, मतलब कटिंग मैं दूर से दिखा, कटिंग का बस वर्क है, बाकी अगर जब ऊपर बन जाएगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा। आप सब इससे आइडिया थोड़ा सा ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे कि आप लोगों को पूरे वीडियो देखा होगा, सब लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करा है, आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। और जब एक बार बन जाएगा ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा, आप भी ऐसे अपने घर में किसी भी डोर पे लगा सकते हैं, काफी सुंदर लगता है बनने के बाद। बस थोड़ी सी कटिंग का वर्क है सिर्फ, और कुछ नहीं है, सब कटिंग करनी है। और इन लोगों ने इतनी मेहनत करी, फ्लावर फ्लावर इसके आप थोड़े देख सकते हैं कितने मतलब ज्यादा इसमें वो है, बस फ्लावर में मेहनत लगी और किसी चीज में इतनी मेहनत नहीं है। और देखने में इसका लुक भी हैवी आता है, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ही मतलब इजी बना लिया होगा या बहुत ऐसे ही ठीक है। देखने में इसमें बस फ्लावर्स अच्छे से कट करना है और बाकी फिर ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी अब इसे सजाएंगे, देखेंगे दिवाली में हम इसे सजाएंगे, संभाल के इसको रख देंगे और देखेंगे जहाँ पे अच्छा लगेगा वहां पर हम इसे रख देंगे। वैसे बाजार में भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बट गौरी को बहुत शौक है कुछ ना कुछ बनाने का, इसलिए पर घर में तो बात होती है, अपने हिसाब से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो माइंड में आता है वो कर सकते हैं। ऐसे बाहर हम लोग को बाहर तो मिल जाते हैं, बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, पर घर वाले ज्यादा अच्छे अच्छे। और बस थोड़ा सा आपको मटेरियल चाहिए होता है, आप आराम से बना सकते हैं। और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एडवांस, आज सबकी प्रॉस्पेरस दिवाली जाए। और दिवाली में पटाखे भी चलते हैं तो प्लीज छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना। हम लोग ने वीडियो इसलिए आपसे शेयर करा ताकि आप लोग थोड़ा आइडिया ले सके और आप भी अपने घर को सजाने के लिए जरूरी नहीं बंधन वाली बनाए, और भी बहुत सारे चीजें होती है जिससे घर बहुत ही अच्छा लगता है, आप उसे डेकोरेशन पे लगा सकते हैं। और इसके लिए ज्यादा वैसे मटेरियल भी नहीं चाहिए, सारे जितने भी इसमें मटेरियल इस बंधन वाले यूज है इजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बस शीट्स ग्लू सीजर और बाकी आपको सारा सामान पता ही है क्या क्या लगता है, सब इजिली मिल जाता है, कोई आपको भागने की जरूरत नहीं है और आप बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए। टेक केयर।